दोस्तों, आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो, कभी ना कभी तो आपके स्मार्टफोन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। तो उसको रिपेयर कराने के लिए हमें जो है रिपेयरिंग शॉप पर जाना पड़ता है या जो केयर सेंटर वगैरह रहते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन उनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम हमें बताया जाता है, हम मान लेते हैं कि यही हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपके मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी यहाँ पर कोई भी पार्ट ऐसा है जो यहाँ पर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर कोई पुराना मोबाइल परचेज करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि उस स्मार्टफोन में क्या कुछ डिफेक्ट है और उस स्मार्टफोन के सभी जो यहाँ पर पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल का फुल टेस्ट बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे आप टेस्ट करेंगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन सही तरीके से काम कर रही है, क्या आपके मोबाइल का जो 3.5 mm वाला ऑडियो जैक दिया गया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो भी सेंसर आपके स्मार्टफोन में दिए गए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल आसानी से आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो टैब दिखाए गए हैं, क्विक टेस्ट और फुल टेस्ट का, यानी कि आप क्विक टेस्ट भी कर सकते हैं और फुल टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्पीड टेस्ट, बैटरी स्टोरेज और हार्डवेयर टेस्ट जाते तो वो सभी टेस्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। स्क्रीन टेस्ट, साउंड टेस्ट, मोशन सेंसर, सभी टेस्ट आप अलग अलग भी कर सकते हैं, या क्विक टेस्ट और जो फुल टेस्ट यहाँ पर दिया गया उसके ज़रिए भी आप जो है सभी टेस्ट एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जान भी सकते हैं कि आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है और उसे रिपेयर कराने के लिए आपको कौन सा पार्ट जो है इसका रिपेयर कराना है। साथ में दोस्तों, अगर आप फ़ोन इन्फो के अंदर जाते हैं तो फ़ोन के सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको दिखा दी जाती है, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है। ये आपके काम आने वाला है तब जब आप कोई भी यहाँ पर पुराना स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल दिखा दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर देखिए आपके सामने क्विक टेस्ट और फुल टेस्ट दिया गया है, तो मैं यहां पर आपको केवल क्विक टेस्ट करके दिखाने वाला हूं क्योंकि फुल टेस्ट में करीबन 4 या 5 मिनट लग जाते हैं। तो नीचे आपको स्टार्ट का बटन दिया गया, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये बोल रहा है कि स्क्रीन पर आपको जो है यहाँ पर पूरी स्क्रीन को जो है इरेज़ करना है। तो ये स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, तो मैंने देखो स्क्रीन को इरेज़ किया। तो उसके बाद में स्टेप टू आ गया है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको 3 नंबर बोले जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना स्मार्टफोन अपने कान के नज़दीक ले जाना है और उसको जो नंबर यहाँ पर बताया जाएगा उसको एंटर करना है। तो फिलहाल मैंने जो टेस्ट है वो स्टार्ट किया और नंबर यहाँ पर मैंने सुन लिया है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद में स्टेप 3 आपके सामने आएगा, तो फिर से स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की जो वॉइस है वो सुनाई जाएंगी। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि जो टेस्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अब रिपोर्ट आपके सामने होगी। देखिए स्क्रीन बिल्कुल सही बताई जा रही है, जो मोशन सेंसर वगैरह हैं वो भी सही बताए जा रहे हैं। साउंड में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा, शायद टेस्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, तो कनेक्टिविटी वाला टेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं, यानी कि क्विक टेस्ट में आपके जो टेस्ट है वो सभी कंप्लीट टेस्ट नहीं होंगे। कुछ इनमें से जो है कुछ टेस्ट कंप्लीट किए जाते हैं क्विक टेस्ट के अंदर, तो कंप्लीट टेस्ट आपको करना चाहिए। अगर आप कोई भी पुराना स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं या अपने फ़ोन में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आप जो है कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है स्पीकर वगैरह या मोशन सेंसर बिल्कुल सही बताए जा रहे हैं, जो सेलुलर रिसेप्शन है तो आप देख सकते हैं वो सही बताया जा रहा है, लाइट सेंसर सही बताए जा रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यहाँ पर फ्रंट कैमरा बिल्कुल सही बताया जा रहा है। तो क्विक टेस्ट के अंदर ये वाले टेस्ट होते हैं, जबकि आप फुल टेस्ट करेंगे तो आपका जो भी जितने भी यहाँ पर पार्ट्स हैं स्मार्टफोन के वो सभी टेस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन के सभी पार्ट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाके डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने स्मार्टफोन के डॉक्टर बन जाइए और अपने स्मार्टफोन को चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।